हरियाणा विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी को आज पार्टी वर्करों व किसानों ने पगड़ी व शॉल भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं विधायक ने भी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से कहा कि वे इस पगड़ी की लाज रखेंगे और किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सैनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्पीकर के माध्यम से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को रिजेक्ट किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में यमुनानगर जिले की पूरी तरह से अनदेखी की है। इस बजट में जिले में कोई भी नई इंडस्ट्री व कोई नए काम की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने बजट में कोरोना काल के समय सरकार द्वारा खर्च की गई राशि पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने प्रवासी मजदूरों की कोई मदद नहीं की, बल्कि सरकार ने तो प्रवासी मजदूरों के नाम पर केवल ठगी की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद सही मायने में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने की। विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक तरफ जहां कांग्रेस विधायकों का सम्मान किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले विधायकों व सांसदों का किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार व किसानों के बीच जारी गतिरोध कब तक शांत होता है। एक प्राइवेट बिल लेकर के आए थे जिसको असंवैधानिक तरीके से इस मौजूदा सरकार ने अपने स्पीकर के द्वारा उसको जो चर्चा होनी थी उसको होने नहीं दिया, यानी कि जो हम बिल लेकर के आए थे उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उस पर बोलने का मौका किसी को नहीं मिल पाया। अब कहीं भी इस बजट के अंदर अगर आप इसको पढ़ो, मैंने पढ़ा है, ये कहीं पर भी यमुनानगर जिले का नाम नहीं है। भाई यमुनानगर ज़िले के अंदर कोई नया काम शुरू होगा, कोई इंडस्ट्री आएगी या कोई नई मंडी बनाई जाएगी या कोई नई सड़क बनाई जाएगी, यानी के अनदेखी की गई। और जितनी बातें भी इसके अंदर बजट के अंदर मैंने पढ़ी, सारी की सारी पुरानी बातें और खोखली बातें। जितने राशन का ये जिक्र करते हैं, इन्होंने कोई राशन नहीं दिया। ये तो भला हो गुरुद्वारे वालों का, निरंकारियों का और ब्यासा जी वाले, इनका भला हो, इन्होंने लोगों को रोटियां खिलाई और यहाँ के किसानों ने अपने घर रोटियां बना बना करके इन गरीबों को दी, गरीबों को खिलाया पिलाया। इन्होंने तो एक ही काम किया कि जो जमुना के पास कलाना और लगता है वहाँ इन्होंने किसानों, इन्होंने जो मजदूर थे प्रवासी मजदूर, उनको पीटने का, छेतने का, मारने का काम किया। कोरोना के नाम पर तो ठगी करी है। ये बजट जो है ना हर प्रकार से फेल है, निष्क्रिय है और कुछ नहीं है इसमें। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।